नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 5 सितंबर 2022, समय 9:13 हो रहे हैं, यानी कि प्री ओपन का मार्केट चल रहा है। सबसे पहले आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उसके बाद देखिए, मैंने करेंसी मार्केट चूंकि 9 बजे ओपन हो जाता है, मैंने 20 लॉट या 20 क्वांटिटी कह सकते सेल कर दिया है करेंसी को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका एक टारगेट लेना चाहूंगा, 20 है तो मेरे ख्याल से ये टारगेट 79.90 तक अगर एक बार आ जाए तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा। एक कंडीशन तो ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि मैं इसका एक स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकता हूँ यहाँ पर, और ज़्यादा का मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, कहीं ना कहीं इसके आसपास ही इस जगह पे स्टॉप लॉस लगा के वेट करना चाहूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो वेट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर से मुझे क्या बनता है। देखिए मेरा यही है पोजीशन, 400 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अगर ये 79.90 के आसपास आता है तो ठीक ठाक प्रॉफिट बन जाएगा और अपना काम भी यहाँ पर हो जाएगा। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, और अभी जो है मार्केट ना पॉजिटिव चल रहा है ना निगेटिव चल रहा है। प्री ओपन में आप देख रहे हैं कॉस्ट टू कॉस्ट ओपन होने की कोशिश कर रहा है, 17,540 के आसपास में ओपन होने की कोशिश कर रहा है, उसके पास में। तो बिल्कुल आज एकदम टक्कर वाला है, या फिर आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला मार्केट आज रह सकता है। तो चलिए वेट करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन बनता है। वेट करता हूँ, फिर लाइव सेशन ऑन होगा, स्टूडेंट लोगों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। अडानी इंटरप्राइजेस थोड़ा सा आज गिरावट रह सकता है, और लग भी रहा है सिचुएशन देख के कि इसकी आज गिरावट होनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस बन सकते हैं। तो 3270 तक के टारगेट इसके बनने चाहिए, वेट करना होगा इसके लिए भी। खैर कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं करेंसी पे पूरा फोकस रखा हुआ वेट करता हूँ। मेरी आवाज और स्क्रीन जा रही है सर? ज्वाइन होइए, होते जाइए होते जाइए। साउंड स्क्रीन सब ठीक है ना? करेंसी सेल में 80 के नीचे सेलिंग करना है, ज्यादा बेहतर होगा अगर 80 के नीचे करेंगे तो। ऑल ओके, ओके ठीक है सर। देखिए यहां पर मैं करेंसी में प्रॉफिट ले लेता हूं और नया ऑर्डर लगा देता हूं 80 के नीचे, ठीक है। मैं 80 के नीचे ऑर्डर लगा के छोड़ता हूं, 79 यानी 15 क्वांटिटी लगा देता हूँ 80 के बिलो, 79.97 और 80, ठीक है। 99 भी कर सकता हूँ, और इसके नीचे, और 79.985 और 98.75 यहाँ पे सेल कर दिया। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी मैंने सेल में लगा दिया ऐसे, ठीक है। इसके नीचे मार्केट ओपन हो गया है 99.75, तो 99.50, हाँ इसके नीचे अगर आ जाए 70। आप लोगों को भी शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई, ठीक है। अगर इसके नीचे आ जाता है 79.80 के नीचे तो जरूर सेल करिए। अब देखिए मैंने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई ले नहीं रहा है, जल्दी से ले ले तो 99.50 क्या होगा। अडानी इंटरप्राइजेस ऊपर की साइड में खुला है, देखिए काफी तेजी से ऊपर की साइड में खुला है। एक रिजेक्शन अगर इसको मिलता है ना, एक रिजेक्शन अगर इसको मिल जाए तो वहां पर से एक सेलिंग का मोड बनाया जा सकता है, हालांकि ऑल टाइम हाई पर है। एक रिजेक्शन का मोड अडानी इंटरप्राइजेस में अगर मिले तो एक बार सेलिंग किया जा सकता है। फिलहाल इसका ऑर्डर मॉडिफाई हो गया, हाँ ऑर्डर मॉडिफाई हो गया, 79.80 के नीचे सेल करना है। अडानी इंटरप्राइजेस काफी तेजी जा रहा है ऊपर, ठीक है। 3400 के पास
पहुंच सकता है, तो हो सकता है आपको यहाँ से एक पॉजिटिव मूवमेंट नीचे की साइड में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, ऐसा चांस है। एक 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 ऑर्डर लेने का कोशिश किया है क्या? रिजेक्शन मिल गया क्या? नहीं मिला ना? नहीं मिला, ओके ओके छोड़ दी, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया ना? अच्छा इसमें रिजेक्ट हो गया, ठीक है। फंड है तब भी नहीं दे रहा, ऑल पोजीशन 100 का प्रॉफिट है, फंड तो मेरे पास है, किधर चला गया? करेंसी, ये क्या हो गया? फंड तो था, अभी फंड कहाँ चला गया? सेटलमेंट में ले लिया क्या अभी? अभी तो नहीं करना चाहिए उसको ऐसा। मोबाइल में दिखा रहा है, आप लोग के साथ फायर्स में दिक्कत हो रहा है क्या? फंड्स में जरा एक बार चेक करके बताइए तो, 1 लाख रुपया है और वो एरर दे रहा है, लाख रुपया रखा है एरर दे रहा है, क्यों? आज ही नया इसमें डाला है कि चलो आज से 1% वाला स्टार्ट करेंगे, देखिए रहे यहाँ पे, देखिए है ना, 96,509 रुपए, 1 लाख एग्जैक्ट मैंने फंड ट्रांसफर किया है और शो कर रहा है मात्र 14,000 रुपए। आप लोग के साथ भी दिक्कत दे रहा है क्या? कॉल करूं क्या फायर्स में? एक बार रिफ्रेश कर दिया है, देखते हैं रिफ्रेश में अगर आ जाए, 43 है, ये धीरे धीरे अपडेट कर रहा है, ये धीरे धीरे अपडेट क्या कर रहा है? आप लोग के साथ भी इशू कर रहा है? नहीं कर रहा ना, तो मुझे कॉल करना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ तब तक जो ना इसको आप सेल कर लीजिए, इसको सेल कर सकते हैं, 3370 के नीचे सेल कर सकते हैं अडानी इंटरप्राइजेस को। हालांकि वहां से भी ठीक था, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, पता नहीं ऐसा ये लोग क्यों कर रहा है, पता नहीं, एक बार कॉल मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, एक मिनट में कॉल कर लेता हूं जरा फायर्स वालों को कि भाई मेरा फंड क्यों नहीं शो कर रहा है। क्या आपका भी शो परेशानी कर रहा है शिव शरण जी? धर्मेंद्र जी आपको भी कर रहा है? वाह, तब तो सबको कर रहा है ना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो सबको कर रहा है, मुझे लगा सिर्फ मेरे में परेशानी है। चलिए कॉल करते हैं फायर्स को, है कि नहीं? अभी उठाएगा तब ना, पहले कॉल करता हूँ, पोजिशन सो ही नहीं हो रहा, ओके ठीक है, तब कॉल तो उठाएगा नहीं। ग्रुप में अगर मैसेज करके देखिए तो क्या दिक्कत कर रहा है क्या? कॉल तो लगेगा नहीं इसका, उम्मीद तो नहीं है।
कॉल का भी प्रॉब्लम होगा, मॉर्निंग में नोटिफिकेशन आता कि उनके ऑपरेटर में कुछ प्रॉब्लम है, तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो यहाँ दिक्कत है, तो फिर तो सबके साथ दिक्कत होगा। देखिए ना, एक एक लाख डाला है, आज ही डाला है 1 लाख, है ना, 1 लाख रुपया फंड ट्रांसफर किया है और उसमें शो कर रहा है मात्र 43,000, बताइए पागल ना कर देगा आदमी को, डराने देगा, करेगा अपने ठीक कर देगा क्या? इसको सेल करना चाह रहा था करना, अभी देखिए 17,600 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जब ये अपने हाई को ब्रेक करे ना तो एक बार यहाँ पे कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 17,625 के ऊपर जैसे ही निकलेगा ना निफ्टी, तो एक बार कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। बैंक निफ्टी भी सही है, तेजी से खुलते के साथ ऊपर भागा है, एक बार करेंसी में मैं देखता हूं 350, यहां पर मैं एक बार सेल करके देखता हूं करेंसी में, वो मुझे दे रहा है कि करने नहीं दे रहा है। हाँ, ऑर्डर नहीं दिख रहा है ना, ठीक ठीक लिख रहा है आप लोग, क्या ऑर्डर नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है, फास्ट में कोई ट्रेड कर रहा है, यस ऑर्डर नहीं, बहुत सारा इशू हो गया इसका मतलब, है ना, ऑर्डर लगाया ऑर्डर दिख भी नहीं रहा, सही कह रहे हैं आप लोग, मैंने भी लगाया तो ऑर्डर नहीं दिख रहा है भाई। सिप्ला में सेल किया अब ना स्टॉप लॉस हो रहा है ना पोजीशन। मैंने भी सेल किया है ना फाइस, करेंसी को कुछ नहीं दिख रहा है। बुक कैसे कीजिएगा आप, छोड़ दीजिए, वेट कर लीजिए भाई, अभी थोड़ा सा फायर्स इशू चल रहा है, वेट कर लीजिए। तो दोस्तों फायर्स में इशू होने के वजह से ट्रेडिंग देखिए नहीं हो पाया, अभी एक ट्रेड है बैंक निफ्टी में मेरा, क्वांटिटी लगा हुआ है 6 लॉट लिया हुआ है मैंने, 2500 तो 6 लॉट लिया है और 1200-1100 का लॉस है, 1300 का लॉस है फिलहाल। देखते हैं बैंक निफ्टी अपना ऊपर रेजिस्टेंस है 39,800 के आसपास, 39,800 से 39,900 का एक हर्डल है बैंक निफ्टी में इस एरिया के पास में, 39,900 ज़्यादा बेहतर रेजिस्टेंस एरिया जो कि यहाँ पे मैंने लाइन लगा रखा है, ये एरिया ज़्यादा बढ़िया हर्डल है, यहाँ पर से तो बिकवाली बनता ही बनता है, एक रजिस्टेंस 39,800 के आसपास में भी बनता हुआ दिख रहा है, हो सकता है ये रिजेक्शन लेके ऊपर चला जाए, सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, लेकिन एक चांस यहाँ पे लिया जा सकता है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ तो किया नहीं है, मैंने एक छोटा सा चांस लिया हुआ है और बाकी मैंने 2 लॉट ऊपर रखा है, माने 430 के ऊपर में, अगर यहाँ से ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो फिर प्रॉफिट बन सकता है, टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं, 500 के आसपास का एक टारगेट यहाँ पर बनना चाहिए अगर ऑर्डर ट्रिगर होता है तो, हालांकि 6 लॉट जो मैंने लिया उसका तो ट्रिगर है, उसमें तो चल भी रहा है, ऊपर 2 लॉट और है, तो अगर एक बार यहाँ से निकालता है अपसाइड में ना तो ऊपर जाना चाहिए और बैंक निफ्टी को एक बार गिर के नीचे की साइड में 39,650 तक आना चाहिए, तो वेट करना होगा, अभी एक साइडवेज जोन में है, पॉजिटिव है थोड़ा सा ऊपर के भाव पर, थोड़ा पॉजिटिव है, मूवमेंट सही है, मूवमेंट खराब नहीं है, मूवमेंट ठीक है, मैंने एक रिस्क लिया है हल्का सा, छोटा सा एक रिस्क है, तो देखते हैं 1,000-1,500-2,000 का लॉस लेके, 2,000 तक का लॉस ले सकता हूँ ज्यादा, आज फायर्स ने गड़बड़ा दिया मामला, सुबह से मौका ही नहीं दिया उसने, है ना, प्राइस भी सही नहीं कर रहा था, फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा था सही से, तो वेट करते हैं थोड़ा, देखते हैं क्या ऊपर ये ऑर्डर ट्रिगर होता है क्या, अगर ये ऑर्डर ट्रिगर होगा मेरे ख्याल से यहाँ 500 तक आना चाहिए टारगेट। पॉइंट यहां से गिरा है 260 पॉइंट, है ना, हाँ 525 तक आना चाहिए, अगर यहाँ से गिरता है ऊपर जाता है तो 525 तक आना चाहिए, तो 525 तक का 500 तक का टारगेट आ सकता है, वेट करते हैं देखते हैं। 150 ऑर्डर ट्रिगर है, यानी कि 6 लॉट, 2 लॉट ऊपर रखा हुआ है मैंने, तो 6, 2, 8 लॉट हो जाएगा, यानी कि 200 क्वांटिटी टोटल हो जाएगा, 25, 8, 200, और अगर उसमें 50 पॉइंट भी घूम गया तो 10,000 हो जाएंगे, है ना, तो देखते हैं, काफी जद्दोजहद कर रहा है यहाँ पर, काफी जद्दोजहद, यहां से मैं 2,000 का लॉस ले सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं, फिलहाल देखते हैं क्या होता है। एक बार अगर ये ब्रेक कर गया ना 445 को, तो समझिए बढ़िया, तब फास्ट मूवमेंट करेगा ये लाइन, ये लाइन अगर ब्रेक कर गया 445 ऊपर, तो बहुत अच्छा मूवमेंट करेगा,
फिलहाल यहाँ पे हर्डल ले रहा है, रुक रहा है, होल्ड कर रहा है, ऑप्शन चेन भी डेटा दिखा रहा है, 39,800 पर 18 लाख पुट कॉल राइटर है और 8 लाख पुट राइटर है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है लेकिन बढ़िया रेजिस्टेंस 39,900 के आसपास में, यहाँ पर से तो सेलिंग बनेगा ही बनेगा 39,900। चलिए देखते हैं, वेट करते हैं, समय हो गया है 10:29:07। दोस्तों ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पे देखिए मेरा दोनों ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है, 50 क्वांटिटी जो ऊपर रखा था तो 2000 का प्रॉफिट हो गया। अगर यहाँ से मैं मेरा एवरेज प्राइस हो चुका है 425, अगर 50 पॉइंट मानते हैं तो 475 के आसपास आएगा, 475 यहाँ 50 पॉइंट आ जाएगा 475। तो यहाँ पर आप चाहें तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर से मैं क्वांटिटी कुछ बुक कर सकता हूँ, ऐसे में बुक कर 475 पर मैं क्वांटिटी बुक करने का ऑर्डर लगा सकता हूँ, है ना। वेट करते हैं, देखिए ऑर्डर ट्रिगर तो हुआ है, अब मैं ज़्यादा नहीं, मैं 2000 से ज़्यादा का लॉस तो नहीं लूँगा यहाँ पर, वेट करता हूँ थोड़ा, देखता हूँ। अभी मार्केट नीचे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, इंपॉर्टेंट 39,750 का वो सपोर्ट बनाने का कोशिश कर रहा है, 39,700 पे 17 और 18 ये काफ़ी ठीक है, और 700 को ब्रेक करेगा तब 600 तक 650 तक आना चाहिए, 600 तक तो ठीक ठाक लग रहा है कि नीचे आना चाहिए, मेरा ज़्यादा लॉस है नहीं, प्रॉफिट में ही है, कॉस्ट टू कॉस्ट समझिए, और मूवमेंट बनेगा अभी अपसाइड का, कोई दिक्कत नहीं। 425 अगर 10 पॉइंट लेता हूँ तो 704 हो गया, 824 हो गया, देखिए ये मैंने ये लाइन लगाया था 442 वाला, ये 442 के ऊपर अगर निकल गया ना तो डायरेक्ट 475 आएगा, 442 अगर निकालता है तो सीधा सीधी ऊपर आएगा 475 के आसपास, और वेट करते हैं देखते हैं। 2,2200 हो गए, 1400 वापस 914, कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, बैंक निफ्टी नीचे आने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है यहाँ पर, देखिए तेजी से ऊपर की तरफ बाउंस भी कर रहा है, तो वेट करते हैं थोड़ा, नीचे आने नहीं दे रहा चूंकि 39,750 के आसपास भी अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, 17,000-18,000 को खास नहीं आ जाना चाहिए, एक बार नीचे इसको आ जाना चाहिए, वेट करते हैं, वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों 1574 का प्रॉफिट चल रहा है, 10:36:12 हो रहा है, देखिए इस लाइन को यानी कि 442 वाला लाइन, ये लाइन अगर ये ब्रेक कर देता है, चूंकि एक रेंज में फंस गया ना, तो इस रेंज के ऊपर निकलने के बाद ये डायरेक्ट 475 से 500 तक का टारगेट दिखा सकता है, यही इसका हर्डल पॉइंट है, और इसी का ब्रेक होने का वेट कर रहा हूँ। हालांकि मैंने क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है, मैं चाहूँ तो यहाँ से हटा सकता हूँ, 100 क्वांटिटी हटा देता हूँ, प्रॉफिट बुक कर लूँगा कुछ 100 क्वांटिटी का, बस देख लेता हूँ यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि इसको हटा देता हूँ, और यहाँ से दोस्तों 100 क्वांटिटी है ना, 100 क्वांटिटी कुछ ज़्यादा हो गया है, तो इसको मैं यहाँ से 1700 हो गया, ठीक है, तो यहाँ से मैं 435 पर मैं कुछ क्वांटिटी बुक कर देता हूँ, 100 क्वांटिटी मैंने बुक कर लिया। अब 100 क्वांटिटी देखिए ऊपर जा रहा है और ये मुझे लग रहा है कि एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, ये ब्रेकआउट कर रहा है 442 वाला, देखिए धीरे धीरे ये ब्रेकआउट कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है 442 जैसे ब्रेक करेगा 475 हो जाएगा, और ये जाने की कोशिश कर रहा है, 2900 हो गया, 442 हो गया, 440, 442, 442, 442, 2700 का प्रॉफिट हो गया, 444, 29, 3000 का हो गया, चलिए 475 आ जाना चाहिए, 3000, तो यहाँ से मैं एक लॉट और बुक करूँगा, देखिए प्रॉफिट इसी तरह से बुक करते जाना है, 437, तो एक लॉट और प्रॉफिट हो गया, अब बचा तीन लॉट, इसी तरह से करना है, तीन लॉट बचे, और तीन लॉट का मैं क्या कर सकता, आप बताइए, तीन लॉट का मैं स्टॉप लॉस अगर मेंटेन कर लूं और इसी कैंडल का लो पॉइंट रख दूं, इसी कैंडल का यानी कि 414 का, तो मैं यहां पर से क्या खोऊंगा, कुछ भी नहीं खोऊंगा, कारण कि सारे यहां से फिर वो मेरा मैनेज हो जाएगा ना प्रॉफिट। खैर मैं प्रॉफिट वाला पैसा लेके घर जाऊंगा, अभी देखते हैं, 470-75 तक तो आना चाहिए, क्योंकि इस हर्डल को ब्रेक किया है, 442 वाला लेवल जो था उसको ब्रेक किया है, तो मेरे ख्याल से ये ऊपर के लेवल पे जाना चाहिए, तो वेट करते हैं और स्टॉप लॉस जो है मेंटेन करके छोड़ देते हैं ना, 3000 का प्रॉफिट हो गया, चलिए 2800-2700, 3000 अभी हो गया था, 448 का हाई मारा है इसने, बहुत बढ़िया, 2500 का प्रॉफिट हो गया है, मुझे लग रहा है ठीक ठाक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से
देखिए अब जो है ये निफ्टी आ गया है 39,700, 600 तक आना चाहिए, 650 तक आना चाहिए, यानी कि 75 पॉइंट और नीचे आएगा तो यहाँ से, अगर 75 पॉइंट ये नीचे आता है तो यहाँ से 50 पॉइंट ये और ऊपर चला जाएगा, तो मुझे लग रहा है यहाँ तक आ जाएगा 510 तक। तो यहाँ मैं स्टॉप लॉस को, टारगेट को ना 50-75 है ना, इसको मैं कर देता हूँ 500 रुपये के आसपास में मेंटेन कर देता हूँ यहाँ। देखिए यहाँ पे मैंने मेंटेन कर दिया, ठीक है, अभी देखते हैं चल रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके छोड़ सकता हूँ, 39,700 का लगाया है लो, 39,717-18 ठीक है, टूटना चाहिए, 600 पर आना चाहिए, 600 पर आना चाहिए इसको, 600 पर इसको आना चाहिए, एक बार वापस से 600 पर आना चाहिए, यहाँ पर इसको आना चाहिए, वेट करते हैं 600-630 इम्पोर्टेंट एरिया है, और मेरा ठीक ठाक चल रहा है, 2900 का 2800 का प्रॉफिट है। तो क्या कहते हैं, एक लॉट और बुक कर लें क्या, ज़्यादातर लॉट बुक कर लेना चाहिए, है कि नहीं, तो इससे क्या होगा, रिस्क हमारा कम हो जाएगा, 454 3400 का प्रॉफिट हो गया, 3600 हो गया, देखिए 3600 हो गया ना, 3600 हो गए। तो अब मैं यहाँ पे दोस्तों क्या करता हूँ कि इसका स्टॉप लॉस टेल करके छोड़ देता हूँ, ठीक है, 425 कॉस्ट टू कॉस्ट छोड़ देता हूँ, 425 इसका कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस छोड़ देता हूँ, ताकि मेरा कुछ यहाँ से लॉस ना हो, 425 स्टॉप लॉस 425 और 425 10। देखिए यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, ठीक है, और समय हो गया है 10:40:20, ठीक है, अब देखते हैं क्या ये ऊपर और जाता है, अगर ऊपर और जाएगा तो और प्रॉफिट बन जाएगा मेरा, सिंपल है ना, और नहीं तो मैं स्टॉप लॉस टेल करके छोड़ दिया, अपना काम ऐसे भी हो जाना है, प्रॉफिट मिल जाएगा फिर। चलिए तो देखेंगे, वेट करेंगे, अदरवाइज ये स्टॉप लॉस कट सकता है, तो अभी जो है ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3200 का प्रॉफिट है मेरा। चल बहुत बढ़िया दोस्तों, का आज फायर थोड़ा प्रॉब्लम किया है, फायर जो है ना आज ज़्यादा प्रॉब्लम किया है, और बाद में इशू ठीक किया, लेकिन शुरुआत का जो मूव होता है ना वो नहीं ले पाया है ना, वो नहीं ले पाया, शुरुआती मूव अच्छा मिल रहा था अडानी इंटरप्राइजेज में, वो नहीं ले पाया, मैं रडार पर रखा हुआ था इसको, और आप लोगों को भी सेलिंग दिया था 3380 के नीचे, 70 के नीचे, उसके नीचे आया नहीं, लेकिन ऊपर से फिर मौका मिल रहा था, पर करने का मौका मिला नहीं, कारण फायर्स काम ही नहीं कर रहा था। चलिए तो वेट करते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ दिया, अब मेरा कुछ भी लॉस यहाँ पे नहीं होगा, तो चलिए मिलूंगा अभी थोड़ा देर में, या नेक्स्ट वीडियो में भी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।